समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष और इस्माइलपुर के पार्षद शहाब अंसारी ने बिजली विभाग पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद शहाब अंसारी ने कहा कि मीटर बदलने के नाम पर की जा रही अनियमितता का विरोध किए जाने पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मेरे तथा मेरे भाई पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया है। उन्होंने कहा कि मीटर चेकिंग के नाम पर विद्युत विभाग मनमानी कर रहा है। इस संबंध में पार्षद शहाब अंसारी ने बताया, इस्माइलपुर में बिजली विभाग द्वारा चेकिंग कराई जा रही थी, जिसमें एक वार्ड के इस्माइलपुर वार्ड के निवासी रब्बानी साहब के मकान में सारे लोग जबरदस्ती मीटर निकालने लगे। मीटर निकाल करके सील को तोड़ दिया और हथौड़ी से मीटर को तोड़ दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो वो वसूली के पैसे की मांग कर रहे थे उनसे। मैंने कहा मीटर तो सही है, कहीं पे कोई कमी है वो तो बताइए। तो जब मैं पहुंचा तो मुझको देखकर वो भौचक्के रह गया और उन्होंने कहा कि मीटर सही है। और कंज्यूमर रब्बानी से उन्होंने सॉरी बोला। उसके बाद सारा मामला ख़त्म हो गया। लेकिन जब एप्लीकेशन पड़ी थाने में तो पता चला कि मेरे और मेरे भाई के खिलाफ फर्जी मुकदमा थाना कोतवाली में कायम कराया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिजली विभाग के लोगों के पास हैंडीकैप कैमरा था, 10 मोबाइल था और उससे वीडियोग्राफी हो रही थी। उस वीडियोग्राफी में कहीं भी मेरे द्वारा या मेरे भाई द्वारा किसी भी सरकारी कर्मचारी से कोई वाद विवाद हुआ हो तो वो पत्रकार भाइयों को और अधिकारियों को दिखाए, अन्यथा एक साजिश के तहत मुझको और मेरे भाई को फर्जी तरीके से और मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। निश्चित तौर पे इस सरकार से मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं फर्जी मुकदमे से। और हम आज आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि इसके बाद भी कहीं भी जनता में कोई किसी उत्पीड़न होगा जनता का या फर्जी तरीके से वसूली धन उगाही होगी मीटर के नाम पे, तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और हमारे जैसे लोग सड़कों पर उतर करके इसका पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। नहीं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। उनका मीटर सही था, फिर उनको सॉरी बोला गया। अन्य मीटर भी उसी रात में लगाया गया है सिर्फ रब्बानी साहब के लिए, जो सिमनानी परिवार के घर के बगल में उनका घर है, उनके लिए मैं गया था। और सही चीज को कहना अगर अपराध है तो वो मैंने अपराध किया है।